ओके तो हमने अभी अभी अकाउंटिंग पीरियड की टर्म को डिस्कस किया कि अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास क्या है. अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. अब आगे चलते जरा इसके अंदर एक और टर्म हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर या एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड That concept is called business entity concept or a separate entity concept. अच्छा business entity concept या separate entity concept क्या है? ये accounting के अंदर एक आपके पास concept है, एक principle है. What is this business entity concept or a separate entity concept? Or what does it states? तो business entity concept या separate entity concept क्या बताता है? Business entity concept ये कहता है कि business यानी कि दो चीजें हमारे पास यहाँ पर है. The number one is business and number two and its ओनर. दो चीजें हमारे पास है, एक है बिजनेस और एक है उसका ओनर. द बिजनेस नंबर वन, द बिजनेस एंड इट्स ओनर, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पर है. लेट्स हैव अ लुक. लेट्स से कि एक हमारे पास यहाँ पर बिजनेस है, दैट इज द बिजनेस एंड देयर इज द ओनर. ठीक है, एक बिजनेस है हमारे पास और एक ओनर है हमारे पास. द बिजनेस दैट इज द बिजनेस एंड इट्स ओनर, दैट इज द ओनर. द बिजनेस एंड इट्स ओनर, ये दो चीजें हमारे पास है. कहता है बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर सेपरेट, यानी कि आपके पास ये दोनों जो है ये अलग अलग है. दीज आर सेपरेट एंटिटी, यानी कि दोनों अलग अलग आपके पास है. दीज आर सेपरेट, इट मीन्स ओनर एंड इट्स बिजनेस बोथ आर सेपरेट. सर क्या मतलब है इन दोनों का, दे आर सेपरेट? इट मीन्स The owner's personal transaction, कि अगर owner अपनी कोई personal transaction करता है, owner अगर अपनी कोई personal activity करता है, और owner अगर अपनी कोई personal activities perform करता है, उन personal transactions को, उन personal activities को हम business की activities या transactions के अंदर record नहीं करेंगे. Reason being, क्योंकि accounting principle ये कहता है, the owner and his business both are separate, दोनों अलग-अलग हैं. सेपरेट है, इट मीन्स दे शुड नॉट बी मिक्सड. इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना, यानी कि जो ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज है, उन पर्सनल ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज को हम बिजनेस की एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दैट इज वॉट वी कॉल दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सर ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास या कोई हमें सिनेरियो बना हुआ है जिसके अंदर ही कहा जाता है कि ओनर ने अपनी कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, ओनर ने अपना कोई मेडिकेशन करवाई है, अपनी पर्सनल मेडिकेशन वगैरह करवाई है, इट मीन्स दैट पर्सनल मेडिकेशन और दैट पर्सनल एक्टिविटी और द ट्रांजेक्शन और द पर्सनल एक्सपेंस विल नॉट बी रिपोर्टेड इन टू द बिजनेस एक्सपेंसेस. हम उसको बिजनेस के एक्सपेंसेस के अंदर रिपोर्ट नहीं करेंगे. सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सो बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर सेपरेट, दोनों बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है. दैट मीन्स ओनर्स पर्सनल ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन.